नायब इख्तियारात तो बहाल हो गए, अलबत्ता अहम फैसलों पर कानूनी पेचीदगियां बरकरार है। जाली अकाउंट्स के सारे केसेस इस्लामाबाद में चलेंगे या नहीं, फैसला ना हो सका। चेयरमैन नैब ने हतमी फैसले के लिए इजलास बुला लिया। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत इजलास पीर को मुतवक्के है। हतमी फैसला चेयरमैन सीनियर हुकाम की मुशावरत से करेंगे। कानून में तरमीम होने पर जाली अकाउंट्स के कुछ केसेस कराची मुंतकिल किए गए थे, उनका रिकॉर्ड भी कराची में है। तरमीमी कानून के मुताबिक जहाँ का जुर्म है वहीं ट्रायल होगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले से ये शिक मुतासर होती है या नहीं, इजलास में जायजा लिया जाएगा। जाली अकाउंट्स के सारे केसेस इस्लामाबाद में चलेंगे या नहीं, फैसला ना हो सका। चेयरमैन नैब ने हतमी फैसले के लिए इजलास बुला लिया। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत इजलास पीर को मुतवक्के है। हतमी फैसला चेयरमैन सीनियर हुकाम की मुशावरत से करेंगे। कानून में तरमीम होने पर जाली अकाउंट्स के कुछ केसेस कराची मुंतकिल किए गए थे, उनका रिकॉर्ड भी कराची में है। तरमीमी कानून के मुताबिक जहाँ का जुर्म है वहीं ट्रायल होगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले से ये शिक मुतासर होती है या नहीं, इजलास में जायजा लिया जाएगा।